बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टाइल विद नूर। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा डिज़ाइन लेकर आई हूं जो एंकर के धागे के साथ बना हुआ है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फैब्रिक लेना है, और फैब्रिक जितनी हमने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है उससे एक इंच एक्स्ट्रा हम एक साइड से रखेंगे और एक इंच एक्स्ट्रा हम दूसरी साइड से रखेंगे उसकी चौड़ाई में, ताकि सिलाई का स्टार्ट और एंड जो है वो इस तरह हम अंदर फिर टर्न कर सकें। तो यहाँ मेरे पास ये फैब्रिक है, इसको मैंने प्रेस से स्ट्रेट कर लिया है। एंकल के धागे की सिलाई करते हुए हमने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने अपनी मशीन का टांका थोड़ा बड़ा कर लेना है, नॉर्मल टांके से ज़रा बड़ा कर लेंगे। यहाँ मेरे पास ये दो तरह के धागे हैं, ये आम नल की है जिससे हम सिलाई करते हैं, और ये एंकल का स्पेशल धागा होता है जो हम फिक्की में भरते हैं। ये देखें, ये आम धागे से थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे हमारे एंकर का काम ज़्यादा खूबसूरत और नीट बनता है। हम इस धागे को मशीन की ऊपर की साइड पर रखेंगे और इस धागे को फिरकी में भर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारे पास जो फैब्रिक है उसको हमने इस कोने को पकड़कर इस तरह से यूं मिला लेना है। इसको आयरन से प्रेस कर लें। से प्रेस भी कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं। ये करीज हमारे पास आ जाएगी। इस करीज पर हम जब सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद इसी के बराबर हम डिस्टेंस रखते हुए बाकी की सिलाइयां भी लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये तिरछी करीज देखें हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसकी ऑपोजिट साइड को उससे मिला लेंगे, इस कॉर्नर को इस करीज से मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी प्रेस बिठा लेंगे क्योंकि हमें आड़ी सिलाइयां चाहिए, इसलिए इस तरह से हमारी डिजाइनिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। फिर हम इसको एक बार इस तरह से टर्न कर लेंगे तो हमारे पास ये दोनों साइड की क्रीजेस सेट बैठेंगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं इससे एक साइड पर पिंक कलर का धागा यूज करूंगी और दूसरी साइड पर दूसरे कलर का धागा यूज करूंगी, तो हमारे पास ये डिजाइन कंप्लीट आएगा। फैब्रिक की उल्टी साइड पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो सीधी साइड पर एंकर का धागा जाएगा। ये फैब्रिक की उल्टी साइड है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कपड़े को खींचे बगैर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। टांके को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ये देखें एक सिलाई लग चुकी है, इसी तरह हम बाकी की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। व्यूअर्स देखें, मैंने एक कलर के धागे की सिलाइयाँ पूरे फैब्रिक पर लगा ली हैं। अब जैसे मैंने इसको दूसरी साइड से टर्न दिया था, ये निशान आपको माइनर सा नज़र आ रहा होगा, इसको हम फिर से फ्रेश कर लेंगे। और सेम पैटर्न पर हम दूसरे धागे की सिलाइयाँ लगाना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। दूसरा कलर मैंने मस्टर्ड यूज़ किया है। इसी तरह हम बाकी की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। दूसरी सिलाई हम उसी फासले को बराबर रखते हुए लगाएंगे। अब मैं इस सिलाई के हिसाब से यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन दूंगी और यहाँ से मैं सेम डिस्टेंस इस सिलाई का भी रखते हुए यहाँ तक ले आऊँगी। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ स्केल से मार्किंग भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखें दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं दोनों कलर की। अब मेरा ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये मैंने एक एक इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक यहाँ रखा था उसको अंदर की तरफ मोड़कर इस तरह हम इसको अपने दामन, बाजू, पैंचा, जहाँ हम चाहें लगा सकते हैं। इस तरह से आपके एंकर के धागे की डिज़ाइनिंग कम्प्लीट हो चुकी है। व्यूअर्स, ये देखें मैंने वो पैटर्न कम्प्लीट कर लिया है, और ये मैंने ट्राउज़र पर ही पट्टी यूज़ की है। ये प्लेन ट्राउज़र है जिसके ऊपर मैंने ये एंकर के धागे का काम जो किया था जिस फैब्रिक पर, वो इसके ऊपर से इस तरह लगा दिया है, और वही फैब्रिक मैंने इस हिसाब से किया था उस पर काम कि वही मैं दामन के आगे भी लगाऊंगी। दामन पर एंकर के धागे का काम जो मैंने किया था वो मैंने कुछ इस तरह से पेस्ट किया है कि उसके साथ पीछे क्रोशिया लेस लगा दी है, और उसके आगे फिनिशिंग के लिए ये मैंने इसके आगे एक्स्ट्रा नहीं लगाया बल्कि फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट किया है, जिससे इसकी थिकनेस बढ़ जाती है स्टफ़ की, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। जी व्यूअर्स, देखा आपने कितने आसान तरीके के साथ हमने ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।